एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो व्लॉग है ना, वो स्टार्टिंग हो रही है। मैं कुछ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कोई रेसिपी आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही हूँ। ये इस दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन जब रात को मैं इसे बना रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि चलो मैं शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो आज ना मैं मेथी मटर मलाई की रेसिपी जो है वो बनाने जा रही हूँ, और मैं खुद इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो मेरे को था कि अगर ये अच्छी बनेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये बहुत अच्छी बनी थी, तो इसकी जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, उसमें जीरा, तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची मैंने ऐड कर दी थी। हल्का सा उसको चटकने दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के प्याज और अदरक लहसुन रफली चॉप था सब कुछ, वो ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको मतलब पका लिया है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पका लिया है। उसके बाद यहाँ पर तीन टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, उनको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने हल्का सा नमक ऐड करा है ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। इसको ढककर पकाऊंगी मैं, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गल नहीं जाएगा टमाटर तब तक इसको पकाना है। तो यहाँ पर बीच बीच में मैं इसे चेक भी कर रही थी, और यहाँ पे फाइनली ये अच्छे से, जो आप टमाटर देख रहे हो दबा दबा के मैं देख रही हूँ, तो ये अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसको कम्प्लीटली ठंडा तो मैंने नहीं होने दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, हल्का सा ये ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर मैंने जो मटर थे ये बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, और बहुत अच्छे मीठे मटर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको हल्का सा बॉयल कर लिया था ताकि ज़्यादा पकाना ना पड़े मुझे इसलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पेस्ट बन गया है, और बहुत अच्छा पेस्ट इसका बना था, कलर बहुत अच्छा आया था टमाटर की वजह से, वो टमाटर काफ़ी रेड थे इसलिए। तो मैंने ना, आप चाहो तो इसमें ऑयल करके और फिर ये मसाला डाल सकते हो, लेकिन मैंने अब ऑयल का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि ऑयल ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैंने ऑयल नहीं लिया है। जितना भी मिक्स जो जार में था ना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मैंने कढ़ाई में ही डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्ची मैंने ऐड कर दी है, थोड़ा सा नमक, और साथ में धनिया पाउडर और हल्दी, बिल्कुल 2 पिंच के बराबर मैंने हल्दी ऐड करी, ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं ऐड करनी है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके ढककर पका लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से जो मसाला है ना, ये हो चुका है। और जब ये मसाला हो जाएगा ना, उसके बाद जो अभी मैंने आपको मटर दिखाए थे ना, जो कि मैंने बॉईल करे थे, वो इसमें ऐड कर देने हैं। और उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, इससे पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने जो ये था ना मेथी, इसको मैंने बारीक काट लिया था वॉश करके, और इसको 2 चम्मच ऑयल के साथ मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से, ताकि ये ना हल्का सा इसमें खुशबू बनी रहे, कच्चापन ना रहे इस वजह से। तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने कर दिया था, लेकिन दिखाया इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं शायद शेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर मेरे को वह चलो मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो इसलिए 2 चम्मच ऑयल में ये बारीक कटी हुई मेथी, ये आधी हमारे घर की है आधी मार्केट की है, उसको अच्छे से सॉटे कर लेना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, और ये कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। वो भी इस जो मसाला है इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद ना, मेरे को ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है जितना मुझे चाहिए था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करा है, लेकिन काफ़ी गाढ़ा लग रहा था, इतना गाढ़ा हम लोग नहीं खाते। तो पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे बॉयल होने तक पका लिया था ढककर। जब इसमें बॉयल आ गया है, तो यहाँ पर ना मेरे पास एक छोटी कटोरी, आप समझ सकते हैं, एक छोटी कटोरी कटोरी थी, उसमें बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये, वो मैंने इसको बिल्कुल फेंट दिया था, और यहाँ पर मैंने गैस जो है वो ऑफ कर दी थी। उसके बाद मैंने उस मसाले के ऊपर ये मलाई डाल दी थी, हल्का सा इसको पका लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, और साथ में इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी, ये ऑप्शनल है, लेकिन कसूरी मेथी से थोड़ा सा ना फ्लेवर अच्छा आता है। तो बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर क्रश करके इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब इसको ढक कर ना पका लेंगे, मतलब इसको पहले मिक्स कर लेंगे, ढक कर इसको पकाएंगे जब तक कि सिर्फ बॉईल नहीं आता, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि जो मेथी मटर मलाई है वो रेडी हो चुकी है, और ये बहुत अच्छी बनी थी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर पे इसे ट्राई करा है, ये बहुत बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जो है शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इसे दोबारा ज़रूर से बनाऊँगी, अभी सिर्फ मैंने ट्राई करने के लिए बनाया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे और अच्छी, मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस के साथ, अभी मैंने थोड़ा ऐसे बनाया था कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छी बनी। तो अगर
आप लोगों ने भी आज तक कभी मीठी मटर मलाई नहीं खाई है या नहीं बनाई है, तो आप लोग अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज पापा मम्मी वो ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं, क्योंकि गेंदे जो हैं उनका टाइम हो चुका है, इसलिए। तो मम्मी मुझे बुलाने आई थी कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, तू ना थोड़ा सा वीडियो बना ले, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सच्ची में मैं देख के मुझे इतना अच्छा सा लगा ना, ये गुलदावरी हैं, और इस तरह की गुलदावरी हम लोग जब ढूंढ रहे थे तब मिली नहीं है। अभी इनका सीज़न बिल्कुल चले गया है, तो लेके फ़ायदा नहीं है। तो भैया ने खुद ही बोला अभी खिल चुकी हैं, तो आप इसे मत लो, आगे जो आने वाले प्लांट्स हैं ना वो ले लो। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे इनके कलर लग रहे थे। और इसके बाद तो जो अब आगे लगेंगे ना प्लांट्स वगैरह, मुझे इतना फूलों के नाम पता नहीं है, पापा मम्मी को पता है, तो वो ले लिए हैं, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। अभी तो उनमें फूल वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पर उनमें फूल आएंगे ना, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कौन कौन से फूल, मतलब कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं। तो ये जो आप सारे देख रहे हो ना, ये सारे प्लांट्स लिए हैं, इनमें जब फूल खिलेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत अच्छी मम्मी बता रही थी, क्योंकि मम्मी को पता है फूलों के बारे में, तो मम्मी बता रही थी इसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे फूल लगते हैं। और एक मम्मी ने, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वो भी मम्मी ने लिया है। थोड़ा सा ये जो प्लांट है थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि परमानेंटली बताया है, अब देखते हैं कि पूरे जो पूरे साल चलता है कि क्या होता है। लेकिन ये वाले बहुत सुंदर लग रहे थे, वाइट पिंक और एक ना हल्का सा बेबी पिंक होता है ना वैसा था, और ये वाले प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट्स लिए हैं। तो अभी जब लगेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो बस प्लांट दिखाने के बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ, मम्मी भी अपने काम कर रही हैं, मैं भी अपने काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर कल सब्जी ली थी ना, फूल गोभी और बैंगन थे, टमाटर थे, मूली थी, तो इनको मैंने कहा चलो मैं निकाल देती हूँ। और फूल गोभी तो वॉश नहीं होगी, जब बनाएंगे उसी टाइम वॉश होगी। बैंगन मैं वॉश कर रही हूँ, और साथ में जो टमाटर हैं वो मैं वॉश कर दूंगी। साथ में जो मूली है ना, मूली के जो पत्ते हैं वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब फ्रेश थे। ली तो रात को थी ये, लेकिन इसके पत्ते काफ़ी फ्रेश थे, तो मेरे को हुआ चलो मैं इसका ना हरी सब्जी बना देती हूँ, हरी भुज्जी बोलते हैं ना जैसे मूली के पत्तों की, वो बना देती हूँ। और मूली मैं अलग कर दूंगी, मूली भी बहुत अच्छी आ रही है आजकल, मीठी मीठी सी, तो कई बार ना कड़वी तीखी सी लगती है, ये मूली काफ़ी मीठी है, इसके पत्ते भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे रात की सब्जी बची होती है ना, तो हम लोग सुबह रोटी बना देते हैं। सुबह हम सब्जी वगैरह का झंझट नहीं रखते हैं, क्योंकि सुबह ना बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ होता है, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है कि सब्जी बनाएं। तो रात को जो होता है सब्जी वगैरह लेफ्ट ओवर, वो हम लोग मॉर्निंग में रोटी के साथ खा लेते हैं या कुछ और अलग से बना देते हैं। तो बस यहाँ पर सब्जी मैंने कहा चलो फटाफट से, क्योंकि हरे पत्ते ऐसे होते हैं ना जल्दी से पक जाते हैं, तो मेरे को था चलो यही बना देती हूँ, तो मैंने वॉश कर दिया। यहाँ पर कुछ मिर्चें हैं, इनको भी मैंने वॉश करके रख दिया है। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ मैंने वॉश करके बाहर रख दी हैं, और यहाँ पर मैं हरे पत्ते बना रही हूँ। और इसको कट करने से पहले ना, मुझे इसके जो डंठल होते हैं ना, जो हार्ड, वैसे हार्ड नहीं थे ये, लेकिन फिर भी मेरे को था कि जो मोटे मोटे डंठल हैं वो मैं हटा देती हूँ। और उसके बाद मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। इसमें ना कुछ भी, मतलब जैसे प्याज आलू कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ना कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ इसके साथ। लेकिन अगर मूली कट कर दो ना छोटे छोटे टुकड़ों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी ये हरी सब्जी हमारे लिए काफ़ी हो जाती, तो मैंने मूली इसमें नहीं ऐड करी है। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और ऑयल उसमें गर्म हो रहा था, तो गर्म हो चुका है अभी तो खैर। और इसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा, जख्या, ये सब ऐड कर दो, और सीधा ना इसको बस तड़का लगा दो। तो मैं इसमें हल्दी वगैरह, धनिया कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, सिंपल सिर्फ नमक ऐड करती हूँ। बहुत अच्छी बनकर आती है और बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए भी मुझे लगा कि चलो मैं बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये पत्ते ना ख़राब ही हो जाएंगे। तो फिर बस हमारी जो सब्जी है थोड़ी देर में बन जाएगी। आटा मैंने एक साइड निकाल के रखा है ताकि मैं आटा भी गूंद लूँ। Thank you.
तो बस यहाँ पे जो सब्जी है वो बन चुकी है और साथ में यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो पराठे जो आपने देखे ना वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। रोटी पापा, मैं और मम्मी खाते हैं। मेरे हस्बैंड मतलब मॉर्निंग में उनको पराठा ही चाहिए होता है। सब्जी चाहे वो बहुत कम या ना के बराबर या आप समझ लो नहीं खाते हैं, लेकिन हरी सब्जी उन्होंने खा ली थी। और लेकिन पराठे उनको मतलब एक टाइम ऐसा है जो उनको पराठे चाहिए होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो वो मैंने उनको दे दिए हैं। अब मैं जो रोटी है ना वो बना रही हूँ। तो बस सबके लिए रोटी बनाने के बाद आगे अपना वही नहाना वगैरह और वही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं आई थी बाहर अभी, तो मैंने देखा जो माली अंकल है वो आ चुके हैं और पापा उनसे गमले जो हैं चेंज करवा रहे हैं। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही पापा ये न्यू गमले लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने गमले हैं ना वो टूटने लगे हैं, काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके वो चेंज करवा रहे हैं। और इनसे ना प्लांट्स और भी उभर कर आ रहे हैं बहुत। एकदम से मैं बाहर आई ना तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैं को क्या बताऊँ। तो धीरे धीरे करके जो नए प्लांट्स लिए हैं वो भी लगवा रहे हैं और साथ में गमले भी चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि वो गमले हो ही चुके थे पुराने इस वजह से। तो जब पूरे अच्छे से लग जाएंगे तो मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। तो पापा भी वही माली अंकल से लगवा रहे थे और यहाँ पर मैं शाल लेकर आ चुकी हूँ, तो बस अपना वही फेस पे जो लगाना होता है वो लगा रही हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद हम मम्मी और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी मैं आपको काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ, मतलब उसी टाइम की क्लिप नहीं है ये, काफ़ी देर की है। तो यहाँ पर कपड़े थे बहुत सारे, इसमें से कपड़े कुछ ऐसे हैं जो ना मिक्स हो चुके हैं, मतलब धोने वाले भी और धुले वाले भी कपड़े हो जाता है ना, तो क्योंकि ऊपर से कभी कभी मैं ले आती हूँ कभी मैं नहीं लाती हूँ, और बच्चे ना कपड़े चेंज करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी होता है कि कपड़े हो जाते हैं रख देती हूँ तो वो मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, तो बस वही मैं अलग कर रही हूँ। जो वॉश करने वाले हैं उनको नीचे रख दे रही हूँ और जो ठीक ठाक कपड़े हैं पहनने वाले कपड़े हैं उनको मैं साइड कर रही हूँ। तो एक बार ये हटा दूंगी ना मैं तो फिर यहाँ से थोड़ा सा खाली हो जाएगा, तो बहुत कपड़े कपड़े सर्दियों में तो कपड़े कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मतलब कितना भी हम संभाल लेना कपड़े दिखते ही दिखते हैं, कभी जैकेट्स वगैरह स्वेटर वगैरह बहुत फैला रहता है। तो बस मैंने कहा चलो अब मैं इसे कर ही देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है अंदर बैठने का बिल्कुल मन नहीं होता है, मन होता है धूप में बैठे रहो, तो लेकिन धूप में इतना बैठा भी नहीं जाता है। अजीब सा ही अभी कुछ हो रहा है, मतलब धूप में गर्म लग रहा है अंदर ठंडा लग रहा है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं और अभी मैं आ गई हूँ बाहर कमरे से। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग में सब्जी मैंने वॉश करी थी ना वो रख रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है। टाइम अभी पता नहीं कितने हो रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं है टाइम कितना हो रहा है, शायद 12 बज रहे होंगे। हाँ 12:10 हो रहे हैं इस टाइम पे और हमारा सारा काम निपट चुका है। मम्मी जो है बाहर ना वो कर रही है, बस धुलाई कर रही है, क्योंकि आज गमले मैंने आपको दिखाया ना छोटी सी क्लिप बनाई है, तो गमले थोड़े थोड़े चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो माली अंकल थे ना उन्होंने गमले चेंज करे ना तो मिट्टी गिर गई थी, तो वो मम्मी वॉश कर रही है यहाँ पे, तो फिर वो जम जाती है। वॉश करना ठीक रहता है, फिर रास्ते में आते आते अच्छा भी नहीं लगता है ना इसलिए। तो बस बाकी सारा हमारा काम है, अब थोड़ी देर में लंच की तैयारी करेंगे। थोड़ी देर धूप सेक ली थी, नाश्ता कर लिया था और धूप बहुत तेज है, बैठा भी नहीं जा रहा है और अंदर ठंडा भी लग रहा है, ऐसी सब कुछ मौसम हो रहा है। और पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलूंगी कि आपको मम्मी और मेरे व्लॉग्स इतने अच्छे लग रहे हैं साथ में, मतलब आप लोग कमेंट हो रहे हो, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो ना उससे पता चलता है आप लोग मम्मी और मुझे कितना पसंद करते हो, हमारी बॉन्डिंग कितनी पसंद करते हो, तो उसके लिए थैंक यू। और आपको जो मम्मी ने रेसिपी बनाई वो भी बहुत अच्छी लगी और बहुत जल्दी मम्मी आपके लिए एक रेसिपी और लेकर आ रही है, जो कि कुछ एक दो दिनों में लाएंगे, क्योंकि एक्चुअली बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं ना, तो मैं ब्लॉग जो है अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, जो जो ब्लॉग बना पा रही हूँ वही शेयर कर रही हूँ। लेकिन बीच में अभी एक बहुत अच्छी रेसिपी मम्मी आपके साथ शेयर करने वाली है, तब तक आप गेस करना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, ठीक है? चलिए, तो अभी मैं कर रही हूँ ना जो टमाटर और सब्जी वॉश करी थी ना वो मैं बास्केट में रख रही हूँ। और ये हम आ चुकी जो गेंदे के फूल हैं वो चेंज कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पापा ने पॉलीथीन में रख दिए हैं जो फ्रेश थे, ताकि मम्मी इनको ना पूजा में चढ़ा पाए। तो ये हैं गेंदे के फूल, तो ये जो अच्छे अच्छे फूल थे वो पापा ने पॉलीथिन में रख दिए, तो इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि खराब ना हो, और मम्मी से थोड़े थोड़े करके रोज चढ़ा दे, एक दो दिन चढ़ जाएंगे मतलब ये ना, बस वही है। बाकी सब्जी टमाटर ये सब मैं रख रही हूँ इसमें, ये बैंगन थे ना वो है। क्योंकि ना वैसे तो बाहर रख दो ठंडा है, लेकिन क्या होता है ना कि जगह घिरती रहती है, इसलिए फ्रिज में ही रख रही हूँ, फ्रिज होता है इसलिए। तो ये टमाटर भी मैंने वॉश ही करे हुए थे, तो सब साथ में ही रख देती हूँ।
थोड़े से ये मटर, चलिए ये वाला काम हो गया। अब दो बास्केट जो है ना मेरी खाली हो गई है और यहाँ पे जगह भी नहीं घरेगी। और जो गोभी है वो अंदर ही है, क्योंकि वो फ्रिज में रखने का मतलब नहीं, क्योंकि शाम को हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे ना ये है मूली, इसी के सुबह मैंने पत्ते बनाए हैं और बहुत जल्दी मम्मी इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही है। आप लोग तब तक गैस करना, पहाड़ी खाना है वो, तो आप लोग गैस करना मम्मी मूली का क्या बना रही है, ठीक है? कॉमेंट जरूर करना जिस जिसको अंदाजा होगा कि मूली का मम्मी क्या बना सकती है, बिल्कुल नई रेसिपी है तो जल्दी शेयर करेंगे। मूली भी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ अभी मैं, क्या पता अभी सैलेड में खाना है इसलिए। तो चलिए बस अब मैं देखती हूँ क्या बनाते हैं, मम्मी से पूछूंगी क्या बनाना है। दाल देखते हैं, दाल ही बनाएंगे शायद। तो वो यहाँ पे मैंने ये अमरूद काटा है, कट करा है, और ये वाले अमरूद ना इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कद्दू की तरह। तो ये वाला काटा है, आधा आशा और सिया को दे दिया था मैंने स्कूल के लिए, तो ये इस तरीके से, और अच्छे भी हो रहे हैं ये। काला नमक डाल दिया मैंने इसमें। तो टाइम अभी ना 1 बज गए, 1:15 हो रही थी मैं, लेकिन 1 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ अरहर और उड़द की दाल। उड़द और अरहर की दाल बना रही हूँ मैं। अरहर की दाल ना थोड़ी सी कल की बची हुई भी है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सोचते सोचते पूरे 1 बज गए हैं, तो फाइनली बस अरहर और उड़द मिक्स करके, उड़द थोड़ी कम मिक्स करके बना रही हूँ। और साथ में ना मैंने ये हरी मिर्चें हैं, ये जैसे हम सब्जी वगैरह लेते हैं तो भैया एक्स्ट्रा दे देते हैं, हम लोग मांगते हैं कि सब हरी सब्जी हरी मिर्च दे दो, वो है। इसको मैंने वॉश करके धूप में सुखा दिया। इसका मैं सोच रही हूँ ना, वो जैसे बनाती हूँ ना मैं अचार तीखा वाला, तीखा तो होगा ही हर मिर्च का है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना मिर्च का अचार इंस्टेंट वाला, वो बना के रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग इतना मिर्च नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो चटपटा रहता है, थोड़ा थोड़ा लेके खा लेंगे ये। मैं इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है, तो अभी देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। फिलहाल पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। बर्तन है यहाँ पे बहुत सारे, वो लगा देती हूँ मैं, और धूप भी सेक लिया अमरूद खाते खाते। चलिए अब जरा दाल चढ़ा देते हैं। तो दाल मैंने चढ़ा दी है और लहसुन मैंने बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्रिज से बाहर कुछ मिनट पहले मैं निकाल ही देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बर्तन थे जो नाश्ते के ना, वो सारे ही बर्तन लगा दिए हैं। और आज का ना व्लॉग ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ बच्चों के टेस्ट की वजह से, अब 1-2 दिन और हैं, उसके बाद आपको फुल डे व्लॉग्स मिलेंगे। और यहाँ पर लास्ट में मैं आपके साथ बहुत ही क्यूट सा बोलेंगे ना क्लिप शेयर कर रही हूँ ये बर्ड्स का। ये हमारे घर में रोज़ आती हैं सुबह शाम दिन में नहाने के लिए। आप देख रहे हो कितना गीली हो रखी है ये, इनको ठंडा ही नहीं लग रहा है, इनको देख के हमें ठंडा लग रहा है कि ये कैसे नहा रही हैं। तो ये प्यारा सा मोमेंट था जो मेरे को था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने ना फ़ोन लगा दिया इस वजह से उनको एहसास हो गया था। तो जो बहुत सारी आ रही थी ना 15-20, उसमें से सिर्फ 2 बर्ड्स आई हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। मेरे को लगता है ये अपना इन्जॉय करे और मैं फ़ोन लगा दूँ तो फिर ये भाग जाएंगी इस वजह से, लेकिन फिर मैंने कहा चलो दिखाई देते हैं। तो दिखाया, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। इस वाली बर्ड ने देखो अपने आप को देख भी लिया है जैसा कि आप देख रहे हो। तो बस इसी प्यारे से मोमेंट के साथ ही मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी से नए व्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।